नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 1.3% के आसपास की गिरावट यहां पर हुई है और 23 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के बारे में। 3.5-4 करोड़ शेयर्स के आसपास जो भी वैद्यनाथन साहब है उन्होंने फिर से दान कर दिए हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो रही है बाजार में। देखियो, बाजार में इस समय 2 दिनों की गिरावट है। पहली चीज तो ये है कि मार्केट में जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया है रिसेंटली, और बाहरी जो फैक्टर्स हैं आपके सामने, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो हमारा इन्फ्लेशन हो या अमेरिकी इन्फ्लेशन हो, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए। क्योंकि अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन होगा या यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जिस तरह से, तो FII छोड़ के चले जाएंगे। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमारा, तो उससे चीजें महंगी होंगी और जिस तरह से वॉरलाइक सिचुएशन बन रही है वो और ज्यादा दामों चीजों के दाम बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है उसी की वजह से बाजार आज काफी गैप डाउन ओपनिंग में रहा और उसके बावजूद भी एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर नहीं बन पाई है। तो एक तो बाजार में गिरावट है, दूसरा IDFC फर्स्ट बैंक लगातार नीचे की गिरावट फेस कर रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, होल्ड करें अपनी पोजीशंस को या निकल जाएं? निकल जाते हो तो क्या मिस करोगे? अगर आप होल्ड करते हो तो कौन से टारगेट के लिए आप होल्ड कर रहे हो यहाँ पे, उसकी भी बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, FII और म्यूचुअल फंड्स ने रिसेंटली यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक में करोड़ों शेयर्स उठाए हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक जो है आपका वो काफी तगड़ा स्टॉक है। बात करेंगे कितना शेयर होल्डिंग IDFC फर्स्ट बैंक का FII के पास है, म्यूचुअल फंड ने भी कितनी शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है उसकी भी चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बाजार की बात जहां तक रही, देखो मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं और उसी की वजह से IDFC फर्स्ट बैंक में गिरावट है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार किसी और स्टॉक में पैसा लगाया होता तो पैसा बनता, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। PSU बैंक में या PSU जो इंडस्ट्री है आपकी, PSU जो कंपनीज है आपके सामने, वहां पर जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो भी रो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जिन्होंने पैसा लगाया है वो भी गिरावट में है, वो भी रो रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए फाइनेंशियल सर्विसेज में लगाया होता है, NBFC में लगाया होता है, टेक्सटाइल में लगाया होता है, मेटल्स में, ऑटो इंडस्ट्री में, फार्मा में, वो सब गिरावट में है। ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इज इन अ फॉलिंग स्टेट। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन एक सिंगल रीजन है आपका मार्केट। मार्केट वो भी इंडियन मार्केट नहीं, अमेरिकी बाजार हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गया या एशियन बाजार हो गया, सभी में इक्वली गिरावट है। यहाँ पे रीजन क्या है? रशिया यूक्रेन की लड़ाई, वो होगी, ब्रेंट के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वॉर लाइक सिचुएशन बनेगी, वो और ज्यादा भड़केगा। तो चीजें यहाँ पे एक एक करके चैन बनी हुई है और उसकी वजह से मार्केट आपका काफी ज्यादा प्रेशर में है। ठीक है, तो वो प्रेशर यहाँ पर हम एक एक करके काउंट करेंगे और क्या करना चाहिए आपको हम पहले वो देखेंगे। देखिए बाजार में कौन कौन सी चीजें हैं जो मार्केट को परेशान कर रही है। सबसे पहली चीज ये है कि रशिया यूक्रेन की जो टेंशन बनी हुई है इस समय में, वो बड़ी परेशानी का कारण बन रही है। आप देखो कि इस समय अगर आप बाजार की बात करते हो तो रशिया यूक्रेन एक इतना बड़ा मुद्दा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब, जो US प्रेसिडेंट है, वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब से मिलने के लिए बैठे हैं। यूक्रेन की टेंशन है, यूक्रेन में अगर यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करता है तो नॉर्ड स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन जाती है उसका बड़ा पंगा यहाँ पर पड़ जाएगा और उसकी वजह से फिर यूरोपियन कंट्रीज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर ये सो कब्जा भी कर लेते हैं तो US को डर है कि रशिया जो है वो एकमात्र उनका सप्लायर बन जाएगा और वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो सारी चीजें जो है वो, क्योंकि फिर इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करेंगे और यूरोप और रशिया मिलकर के एक सुपर पावर बन सकते हैं, तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। अभी के लिए अगर आप बात करो तो रशिया यूक्रेन एक बड़ी टेंशन क्रिएट कर रहा है। आप देखो कि RBI को लेकर के काफी बात हुई पिछले दिनों। रीजन क्या था कि भैया हमें लगा था जिस तरह से इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन के बढ़ते जो परसेंटेज है आपका, चाहे WPI इन्फ्लेशन आपका डबल डिजिट में है, CPI इन्फ्लेशन भी 7.5% के करीब पहुंच चुका है आपका, तो कहीं ना कहीं जो RBI है वो आपके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। बट इंटरेस्ट रेट उन्होंने नहीं बढ़ाया, उसको कॉन्स्टेंट रखा है और इसकी वजह से RBI का जो थोड़ा सा एक अथॉरिटी था वो क्वेश्चन में आ गया है। अभी के लिए अगर आप बात करो, ये पहली बात नहीं है हालांकि, बट ये है कि RBI इस तरह से क्वेश्चनेबल कटघरे में खड़ा ही रहता है तो वो दूसरी चीज है। बट इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर वॉर होता है तो चीजों के दाम और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे और मार्केट में फिर उतनी ही तेजी से आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर बाजार से पैसा निकलेगा, बॉन्ड मार्केट फ्लरिश करेगा आपका। ठीक है, अगर बॉन्ड मार्केट बढ़ता है तो वहां पर फिर लोग पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने पहले भी देखा है। तो कहीं ना कहीं वो सारी प्रॉब्लम यह है और यही कारण है कि बाजार में इस समय गिरावट हो रही है। अभी के लिए अगर आप बात करो, मार्केट में मैंने एक क्लोज रेंज ड्रॉ किया हुआ है, आप देख लो कि अपर साइड पे 17,700-17,800 के आसपास का और लोअर एंड पे 16,700-16,600 के आसपास का। ठीक है, ये दोनों ही क्लोज रेंज है। आज बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये बड़ी प्रॉब्लम रही और गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद भी मार्केट आपका रुका नहीं, वो लगातार गिरावट में रहा है। लेट्स सी कितना गिरावट होती है कितनी नहीं, बट फिर भी बाजार को लेकर के थोड़ा सा पैनिक क्रिएट ना करो तो ज्यादा बेहतर है। बेचने से पहले आप देखो कि बाजार में जिस स्टॉक में आपने पैसा लगाया है, यानी IDFC फर्स्ट बैंक इन दिस,
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या उसके फंडामेंटल्स ठीक ठाक है या नहीं, अगर फंडामेंटल्स ठीक है तो क्या टेक्निकल पैटर्न बेहतर है या नहीं, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर देखेंगे। देखो सपोर्ट लेवल कहाँ पर अभी है आपका, सपोर्ट लेवल अगर आप बात करते हो तो सपोर्ट आपका अराउंड 40-41 रुपीज के आसपास का सपोर्ट लेवल है, तो अभी भी अपने जो सपोर्ट लेवल है उससे दूर है। अच्छी चीज ये है कि स्टॉक आपका ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, तो यानी कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसा मैंने बोला कि देखो टेक्निकल पैटर्न में अभी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एक रेंज बना चुका है स्टॉक ऑलरेडी आपका, इस रेंज में काफी टाइम तक रहा था, अब इस रेंज को भी ब्रेक डाउन कर चुका है आपका और नीचे की तरफ आ रहा है स्टॉक आपका, ठीक है। तो जब रेंज ब्रेक डाउन हुआ है तो थोड़ी सी गिरावट तो यहाँ पर होगी, और उस गिरावट में भी अगर आप उठाते हो स्टॉक को या आपने रखा हुआ स्टॉक को, तो प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, टेक्निकल पैटर्न बहुत अच्छा नहीं है, टेक्निकल पैटर्न आपका न्यूट्रल है। तो अगर बाजार में रैली होती तो मैं कह सकता था कि हाँ ठीक है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बढ़ेगा, बट अगर बाजार गिरावट में है तो यहाँ पर मैं न्यूट्रलिटी ही फेस करता हूँ। 40 रुपीज के आसपास सपोर्ट लेकर के मुझे लगता है स्टॉक आपका आने वाले दिनों में न्यूट्रल रहेगा, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी। अच्छी खबर कहाँ पर है भैया, अच्छी खबर ये है कि गिरावट का बाजार है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। पिछले अगर 3 महीने भी आप देखो तो जुलाई के करीब से ही या उससे पहले भी अगर आप देखो यहाँ से अगर आप आ जाओ तो लास्ट टाइम जो हाई लगाया था वो मार्च के महीने में लगाया था, लास्ट मार्च में 2021 में, तब से सिर्फ गिरावट हुई है और एक साइडवेज का जोन बना है। फरवरी खत्म हो चुका, मार्च आ चुका, एक साल में नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर मिले हैं और कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसे में खरीदारी कर कौन रहा है, रिटेल इन्वेस्टर अवॉइड कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हो, बट खरीदारी आप देखो ऐसे लोग हैं जो अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक, दे नो द वैल्यू ऑफ दिस कंपनी, उनको पता है कि अभी वैद्यनाथन साहब शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं। आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया है इसके ऊपर और वो आने वाले दिनों में भी इस कंपनी को काफी आगे लेकर के जा सकते हैं, और शायद यही कारण है कि FII FPI लगातार इस कंपनी में निवेश बढ़ा रहे हैं। आप दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग देखो, यहाँ पर FII FPI ने 14.76% से अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा करके 14.77% कर दिया है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है, बट यस दे हैव इंक्रीज्ड इट। जहां पर बाजार में FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं, अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वो कांस्टेंट भी रखते अपनी शेयर होल्डिंग को, आई वुड हैव सेड कि ठीक है यार बाजार में अभी भी FII को कम से कम इस कंपनी के ऊपर भरोसा है। एंड अगर आप इसके आगे निकलते हो म्यूचुअल फंड की बात करते हो तो 0.15% के आसपास म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। तो एक चीज तो आपके लिए यहाँ पर तय हो जाती है कि बाजार में अगर रिटेल इन्वेस्टर जहां से निकल रहे हैं वहां पर FII और म्यूचुअल फंड हाथ डाल रहे हैं, रीजन बीइंग कि दे नो कि इस कंपनी में क्योंकि अंडर वैल्यूड रही है, काफी टाइम से ये कंपनी काफी अंडर वैल्यूड रही है और अब यहाँ पर इसका नंबर आ रहा है। जिस तरह से कंपनी ने आपको फंडामेंटल्स और जो नंबर्स दिए क्वार्टर थ्री के, जिस तरह से नंबर्स आए 281 करोड़ का लगातार दूसरा क्वार्टर बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहा, मार्जिन में इंप्रूवमेंट मिला और रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट मिला, कासा रेशियो आपका 51% के आसपास पहुंचा, मुझे लगता है कि नंबर्स काफी बढ़िया रहे हैं, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है आपके लिए और बिल्कुल आपको रुकना चाहिए, ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट में यही बोलूंगा कि अगर आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश किया हुआ है होल्ड करो, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में निकलने की राय मेरी नहीं रहेगी आपको। FII DII का जो डेटा है आपके सामने वो यही है कि FII बिकवाली कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट में और DII 2400 करोड़ का माल खरीदारी में रखा था कल इन लोगों ने, बट आज मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से बिकवाली यहां पर हुई है। टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं करना, होल्ड करो, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा बनेगा, बट यू जस्ट हैव टू होल्ड योर पोजीशन, ठीक है, होल्ड करो। बाकी लेट्स सी बाजार के कब तक सेटलमेंट में आता है, बाजार जैसे ही सेटल होता है वैसे ही आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी एक अच्छी खासी रैली में मिल जाएगा, ठीक है। खरीदारी फ्रेश बाइंग करने की मेरी सलाह नहीं रहेगी आपके लिए। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी यूज्ड, क्या है आपके स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना, वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कमेंट, अगर पूछना हो तो थैंक यू।